सिर्फ, बाल बच्चा है नहीं हम लोग के। तो हमारा इसको दूर पूरे मेरा जान 3 साल पहले आ गया मेरा आदमी के साथ में। हाँ, इसको एक हाथ टूटा है 3 साल पहले आ गया मेरा पास में। आने के बाद में बस वही हमारा पास में, और एक यहाँ पर है जो शेरू, तो उसका माँ किराए पर है। ये हमारा अपना मुकाम है। तो सब बोल रहे, सब बोल रहा है जो रानी जी तेरा तो बाल बच्चा कोई है नहीं, तेरा तो इसको इतना प्यार करो तो इसको शादी करा। तो हम बोला किसको साथ है, तो भी बोला टाइगर है वहाँ पर। तो उसका माँ बोला कि यार रानी मेरे को सब बोलता है, रानी तेरा बेटी है, हमारा बेटा है, हम सब शादी कराए बहुत ही करके, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है खूब बहुत बड़ा करके, क्योंकि हमें कलकत्ता का है। तो बस 4 दिन हुआ यही प्रोग्राम बन गया। एडोक्स हमारे साथ 8 साल हो गया, हम उसको बचपन से ही पाल रहे हैं। मेरे बच्चे उसके साथ बड़े हुए, वो भी बड़ा हुआ बच्चे ही खेल के, बच्चे की तरह हम उसको रखे अपने। तो ऐसे एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे कुछ ऐसे इधर उधर पड़ोसी थे, दिमाग में डाले कि इन दोनों की शादी कर दो, उनकी स्वीटी थी तो हम दोनों का ही ज़्यादा बनता है। तो हम बोले कि चलो हो जाए शादी ही सर, शादी जैसे एक आम आदमी की शादी ऐसे हमारे लिए शादी ही है। हम इसको जैसे इंसान की हर रस्म रिवाज के साथ शादी होती है, ऐसे हमारा भी हर रस्म हर रिवाज के साथ शादी। मतलब एक क्रेज सा मुझे भी था, मैं भी सेक्टर 5 में रहती हूँ, तो मम्मी ने बताया जैसे फ़ोन पे कि ऐसे हमारे यहाँ मतलब कुत्ता कुतिया जैसे शेर और स्वीटी की शादी हो रही है। तो मतलब मैं भी इसी क्रेज में आई हूँ कि मतलब मैं भी देखूँगी कि शादी कैसी है। अभी अनोखी शादी है, एक देखने का क्रेज सबको होता है, किसको नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ मैं भी, देखूँगी क्या हो रहा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमने पहली बार देख रहे हैं ये चीज़, पहले देखा नहीं था कभी भी ऐसा कि कुत्ता कुतिया की शादी। तो मतलब वही देखने आए हैं।